हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में हमने फॉर्च्यून 3 का पिकेक्स बनाया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डायमंड्स को हमने माइन किया था और हमको बहुत ज़्यादा डायमंड्स मिल चुके थे। लगभग डबल से भी ज़्यादा डायमंड्स हम लोग को मिला था, लगभग 54 डायमंड्स हम लोग को मिला था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ वो वाला वीडियो देखो। लगभग हमको 54 डायमंड्स मिल चुके थे दोस्तों, एक ही बार में हम लोग को 54 डायमंड्स मिल चुके थे। तो अभी हम आज के वीडियो में हम बनाएंगे डायमंड का आर्मर बनाएंगे और डायमंड का स्वॉर्ड सब कुछ बनाने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। और तो और दोस्तों, उस डायमंड आर्मर को हम एंजेंटमेंट भी करने वाले हैं। आप देख सकते हो मेरे पास 32 लेवल्स है, तो हम एंजेंटमेंट भी करने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हमारा जो डायमंड का आर्मर है उसको भी एंजेंटमेंट करेंगे और हथियार सब कुछ एंजेंटमेंट करेंगे और आयरन का आर्मर भी बनाएंगे और उसको भी एंजेंटमेंट करने वाले, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वो डायमंड्स मैंने इसी चेस्ट में रखा था, जैसे कि आप इधर देख सकते हो पूरे के पूरे 54 डायमंड्स आप लोगों को दिख रहा होगा। और मेरा फॉर्च्यून 3 का पिकेक्स भी आप इधर देख सकते हो, उसके नीचे ही फॉर्च्यून 3 का पिकेक्स भी मैंने रखा था। तो आप देख सकते हो पूरे के पूरे 54 डायमंड्स हम लोग को मिल चुके थे, एक ही बार में हमको 54 डायमंड्स मिल चुके थे। और आप देख सकते हो मेरा फॉर्च्यून 3 का पिकेक्स। तो दोस्तों, मैंने 54 डायमंड्स ले चुका हूँ, अभी जल्दी से जल्दी डायमंड का आर्मर बनाएंगे और उसके बाद एंजेंटमेंट भी करेंगे। आप देख सकते हो मेरा जो आयरन का आर्मर है उसका हेल्थ कितना कम है। तो अभी डायमंड आर्मर पहनने का वक्त आ गया दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी सब कुछ बना लेते हैं, जो भी आर्मर है उन सबको बना लेते हैं। तो मेरे पास 54 डायमंड्स है और उसके बाद एंजेंटमेंट भी करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं हेलमेट बना देता हूँ, तो इसके लिए 5 डायमंड चाहिए, उसके बाद चेस्ट इसके लिए 8, और उसके बाद बूट्स 4 डायमंड्स चाहिए, पैंट के लिए 7 डायमंड्स, तो लगभग 25 डायमंड्स होंगे दोस्तों। मतलब पूरे के पूरे अगर आप लोगों को आर्मर बनाना है ना, तो उसके लिए पूरे के पूरे 24 डायमंड्स चाहिए। तो पूरे के पूरे हमारा जो है 24 डायमंड्स हो चुके हैं, अभी आप देख सकते हो पूरे के पूरे मेरे पास है 30 डायमंड्स। तो दोस्तों, अभी हमारा जो डायमंड आर्मर है उसको एंजेंटमेंट करेंगे, तो उसके लिए चाहिए लैपिस लेजुली, तो लैपिस लेजुली मैंने ले लिया है। तो अभी जल्दी से जल्दी इसको एंजेंटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या ना चेस्ट प्लेट को एंजेंटमेंट करने वाला, क्योंकि चेस्ट प्लेट जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वही मतलब हमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए मैं चेस्ट प्लेट को ही मतलब करने वाला हूँ। तो 3 लेवल लेगा और 3 लैपिस लेजुली लेगा, तो यही ले लेंगे, मतलब प्रोटेक्शन 4 मिलेगा इसमें। तो दोस्तों, आप जैसे कि इधर देख सकते हो, इधर हम लोग को अनब्रेकिंग 3 भी मिला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, हमको प्रोटेक्शन 4 के साथ साथ और थ्रोन्स 2 भी मिला और अनब्रेकिंग 3 भी हमको मिला दोस्तों, क्योंकि अनब्रेकिंग 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्या ना, इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है अनब्रेकिंग 3। इससे क्या होगा ना, इससे हमको बार बार रिपेयर वगैरह करना नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं पैंट को भी मतलब करने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए क्या ना 30 लेवल्स चाहिए। अभी आप देख सकते हो मेरे पास 29 लेवल्स है और इसको क्या ना सिर्फ और सिर्फ थ्रोन 2 ही मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं पैंट को भी एंजेंटमेंट करने वाला हूँ, तो ये तो थ्रोन 2 दे रहा, तो लेकिन इसके लिए भी हमको 30 लेवल्स चाहिए होगा, अगर नहीं तो हम मतलब सेकंड वाला कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या ना, मैं पूरे के पूरे मतलब फुल एंजेंटमेंट ही करने वाला हूँ पूरे के पूरे, तो उसके लिए मेरे को एक ही लेवल चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या ना पूरे के पूरे 30 लेवल जो है बना देता हूँ, उसके बाद उसको भी एंजेंटमेंट करूँगा। तो अभी आर्मर को क्या ना अभी अंदर रख देते हैं, तो पूरे डायमंड आर्मर को मैंने अभी अंदर रख दिया, तो डायमंड जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए मैंने इसको अंदर रख दिया सेफली। तो दोस्तों, अभी क्या ना मैं एक आर्मर बनाने वाला, मतलब आर्मर स्टैंड बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए क्या ना स्मूथ स्टोन स्लैब चाहिए। तो इसलिए मैंने, आप देख सकते हो, मैंने इसको स्मेल्ट करने के लिए रख दिया, मतलब फर्नेस में रख दिया है। और उसके बाद हम आर्मर स्टैंड बनाएंगे और आर्मर स्टैंड को हमारा जो डायमंड आर्मर है मतलब पूरी तरीके से एंजेंटमेंट करेंगे ना, और उसको उस आर्मर को पहना देंगे। जब हम एंटर ड्रैगन को मारेंगे ना, तब उस आर्मर को यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो ये है आर्मर स्टैंड, तो इस तरीके से कुछ होता है। और उसको पूरी तरीके से हम क्या ना डायमंड का जो एंजेंटमेंट आर्मर है उसको पहनने वाले, मतलब उसको पहनाने वाले, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अभी क्या ना मैं आयरन का भी आर्मर बनाने वाला, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आयरन का भी आर्मर बनाएंगे और उसको भी एंजेंटमेंट करेंगे। तो आयरन का भी आर्मर बनाऊंगा, तो ये रहा हेलमेट। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैंने आयरन का आर्मर तो बना लिया, अभी सिर्फ और सिर्फ आर्मर स्टैंड बनाना है। तो आर्मर स्टैंड के लिए सबसे पहले स्मूथ स्टोन स्लैब चाहिए, तो उसको मैंने बना लिया स्मूथ स्टोन स्लैब। अभी मैं पूरे के पूरे 4 बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को 2 ही चाहिए, एक होगा डायमंड का और एक होगा आयरन का। दोनों आर्मर का लगभग एंजेंटमेंट जो है करने वाला हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसको क्या ना इधर रखने वाला हूँ दोस्तों मैं अभी। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, सेम टू सेम मतलब इसी तरीके से मैंने और एक दरवाज़ा और पूरी तरीके से ट्रैपडोर वगैरह लगा दिया, आप जैसे कि इधर देख सकते हो। तो अभी क्या ना इस एरिया को मैं क्या अभी क्या ना थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूँ, इधर क्या ना मैं स्मूथ स्टोन लगाने वाला हूँ, ताकि क्या ना अंदर से हमको बढ़िया तरीके से दिख सके। तो अभी इस एरिया को आप देख सकते हो, इसको मैंने ऑलरेडी क्या ना जो आर्मर स्टैंड है उसको लगा दिया। अभी क्या ना इस अलमारी के अंदर मैं आर्मर स्टोन मतलब लगाने वाला हूँ, तो अभी इसको क्या ना मैं स्टोन स्लैब से मतलब पूरी तरीके से कवर करूँगा।
तो वो स्मूथ स्टोन स्लैब मैंने ले लिया, मतलब जो स्मूथ स्टोन है उसको ही स्लैब नहीं है, तो इसको मतलब बढ़िया तरीके से दिखेगा, आप देख सकते हो। उसके बाद मतलब आर्मर जो स्टैंड है हम जब पहनाएंगे ना इस आर्मर को, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखेगा। तो आप देख सकते हो मैंने दो दरवाज़ा बनाया, अब सेम टू सेम इसी तरीके से मैंने बनाया था, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मैंने दरवाज़ा ओपन कर दिया और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख रहा है। अभी क्या है ना, इसको आर्मर पहनने का वक्त है। अभी मैंने आर्मर जो है ना इधर ही रखा था, तो इसी चेस्ट के अंदर रखा था। तो आर्मर सबसे पहले ले लेते हैं, तो डायमंड का आर्मर ले लेते हैं सबसे पहले। डायमंड का आर्मर लेकर उसको पहनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखेगा। जब हम एंटर ड्रैगन को मारेंगे ना तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसको एंजेंटमेंट भी करने वाला, तो उसके भी मतलब एंजेंटमेंट भी करना चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं इस डायमंड आर्मर को सबसे पहले इसको पहना देता हूँ, तो सब कुछ पहना देता हूँ। बूट्स पहना लिया, अभी पैंट भी पहना लिया, तो चेस्ट प्लेट भी पहना लिया। अभी क्या ना, आयरन का आर्मर भी मैंने पहना लेता हूँ। मतलब दो आर्मर में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, दो आर्मर मैं इसको पहनाने वाला हूँ। दो आर्मर बनाऊँगा, आयरन का और मतलब डायमंड का, दोनों आर्मर बनाने वाला हूँ। तो दोनों इधर रखते हैं, तो इसका भी सब कुछ पहना देते हैं। तो ये ले भाई हेलमेट, हेलमेट भी मैंने इसको पहना दिया। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख रहा है, आप इधर देख सकते हो। अभी क्या ना, इसको हथियार वगैरह नहीं है, तो हथियार भी मेरे को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या ना, मैं इसको पिकेक्स दे देता हूँ। डायमंड का पिकेक्स जो है ना मेरे पास है ना, ये वाला डायमंड पिकेक्स मैं इसको मतलब दे देता हूँ, तो ये पकड़ लेगा। तो आप देख सकते हो डायमंड का पिकेक्स पकड़ लिया और अब दरवाजे के मतलब दरवाजे से अंदर ही आ गया। आप इधर देख सकते हो दरवाजे के अंदर ही आ गया। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख रहा है। अभी क्या ना, मैं एक डायमंड का मतलब क्या है ना, डायमंड का स्वॉर्ड बनाने वाला हूँ। डायमंड का स्वॉर्ड बनाकर उसको पहनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब देखने में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखेगा। और स्वॉर्ड को भी एंजेंटमेंट करने वाला है, स्वॉर्ड को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंजेंटमेंट करना। तो सबसे पहले आयरन का स्वॉर्ड और डायमंड का स्वॉर्ड दोनों मैंने बना लिया है। अभी मैं पिकेक्स ले लेता हूँ और उसको स्वॉर्ड दे देता हूँ। तो ये ले लिया पिकेक्स, तो पिकेक्स मेरे पास आ गया और स्वॉर्ड में उसके पास आ गया, तो इसको भी स्वॉर्ड दे देते हैं। आप देख सकते हो इसको स्वॉर्ड दिख ही नहीं रहा। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो दरवाजे का मतलब पूरी तरीके से एक टाइप का अंदर से आ गया। आप इधर देख सकते हो जो स्वॉर्ड है पूरी तरीके से एक टाइप का कटर टाइप का दिख रहा है। आप इधर देख सकते हो हमारा जो स्वॉर्ड है वो तो दरवाजे के अंदर से आ गया, आप इधर देख सकते हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिख रहा है। आप इधर देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब बहुत ही गजब लुक आ रहा। तो अभी क्या ना, एक छोटा सा काम रहेगा, वो क्या ना, सबसे पहले मेरे को 30 लेवल बनाना पड़ेगा। उसके बाद मेरा जो डायमंड का स्वॉर्ड है उसको भी एंजेंटमेंट करने वाला, और उसको और भी ज़्यादा मैं एंजेंटमेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या ना, मेरे को 30 लेवल बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो अभी मैं पूरे का पूरा 33 लेवल्स मेरा हो चुका है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो 30 लेवल के बाद क्या ना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मतलब लेवल्स जो है बनाने के लिए। तो इसीलिए क्या ना दोस्तों, हम धीरे धीरे सब कुछ एंजेंटमेंट करने वाले, मतलब इसके बाद हम बाकी का जो एंजेंटमेंट है उसका बाद में हम करेंगे। अभी क्या ना, हम धीरे धीरे जितना होता है उतना एंजेंटमेंट करेंगे, क्योंकि अभी क्या ना लेवल्स जो है ना मतलब कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या ना, हम धीरे धीरे इन सबको एंजेंटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वॉर्ड को एंजेंटमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि स्वॉर्ड ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्वॉर्ड को एंजेंटमेंट कर लेते हैं। तो स्वॉर्ड इधर रखा, तो लैपिस लेजली भी इधर रखा, तो क्या दे रहा है ये, तो फायर एस्पेक्ट 2। तो फायर एस्पेक्ट 2 जो है ठीक है, स्मेल्ट 3 और ये बोन कुछ है, ये मेरे को पता नहीं इसके बारे में। तो फायर एस्पेक्ट 2 बहुत ही बढ़िया एंजेंटमेंट है, तो इसको हम एंजेंटमेंट कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा ही एंजेंटमेंट है दोस्तों, क्योंकि फायर एस्पेक्ट 2 क्या ना, जब भी आप मारोगे ना तब क्या ना उसको आग लग जाएगा, उसके मतलब जॉम्बी को वगैरह किसी को भी मारेंगे ना उसको मतलब आग लग जाएगा। तो काफ़ी अच्छा एंजेंटमेंट है, तो मैंने ले लिया, आप इधर देख सकते हो। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हो इसको शार्पनेस 4 भी लग चुका है। शार्पनेस 4 मतलब इसका जो अटैक रेट है वो 4 गुना मतलब +4 हो गया। मतलब अभी इसका जो अटैक रेट है, नॉर्मल में जो डायमंड का अटैक रेट होता है ना वो 7 होता है, लेकिन अभी आप देख सकते हो इसका जो अटैक रेट है वो 12 है। तो दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छा एंजेंटमेंट है, क्योंकि शार्पनेस 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब इसका जो अटैक रेट है ना वो लगभग अभी आप देख सकते हो पूरी तरीके से 12 हो चुका है दोस्तों। अटैक रेट बहुत ही ज़्यादा इसका बढ़ चुका है, और हमको फायर एस्पेक्ट भी है और शार्पनेस भी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है हमारा जो स्वॉर्ड है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अगर इसको क्या ना लूटिंग का एंजेंटमेंट वगैरह भी लग चुका होगा ना, मतलब लूटिंग का एंजेंटमेंट अगर हो चुका तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसको पहना देता हूँ, मतलब हमें जो डायमंड स्वॉर्ड है तो इसका दे देता हूँ, और जो आयरन स्वॉर्ड है वो ले लेता हूँ। तो इसको रखते हैं, जब हम क्या ना जब हम एंटर ड्रैगन को मारेंगे ना तभी ये सब सामान वगैरह यूज़ होंगे। तो अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जब हमको यूज़ होगा तब इसमें हम ले लेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो अभी मेरे पास पूरे के पूरे 30 लेवल्स हो चुके हैं, मतलब फिर से मेरे पास 30 लेवल्स है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं हेलमेट को भी मतलब एंजेंटमेंट कर लूँ, तो हेलमेट को भी एंजेंटमेंट कर लेते हैं। थ्रोन्स 2 को कुछ मिल रहा है तो इसी को ले लेते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इसको जो है ना प्रोटेक्शन 4 भी मिल चुका है और थ्रोन 2 कुछ मिला है, तो ये भी ठीक है। मतलब इसको भी कुछ बढ़िया तरीके से एंचेंटमेंट भी मिल चुका है। अगर साथ ही साथ अनब्रेकिंग 3 भी मिल चुका होता ना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता। अनब्रेकिंग 3 हमको नहीं मिला, तो ठीक है कोई बात नहीं, सबसे पहले इसको पहना देते हैं सब कुछ। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैंने इसको हेलमेट भी पहना दिया और आप देख सकते हो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी इसको दिख रहा, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से ये दिख रहा आप इधर देख सकते हो। अभी सिर्फ और सिर्फ पैंट और बूट से एंजॉयमेंट करना बाकी रह गया दोस्तों, तो वो भी हम आगे कर लेंगे, उसका कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो होता है इधर ही खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक और शेयर करो, और अब इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी सजेशन वगैरह होगा तो मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। तो आज का वीडियो इधर ही खत्म होता है, तो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अलविदा। Hellcat.